नमस्कार वन एंड ऑल, वेलकम ईशा ऑनलाइन क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट। हियर डॉक्टर सी जगदीश्वरी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेस पोस्चर, हाउ टू मेंटेन फेस पोस्चर। आप बॉडी पोस्चर के बारे में सुना होगा कि टीवी देखते टाइम कैसा बैठना है या लैपटॉप के सामने काम करते टाइम कैसा बैठना है। सेम वे सारा दिन बॉडी का पोस्चर इरेक्ट रखना है, वैसे ही फेस पोस्चर भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फेस में पोस्चर मेंटेन नहीं करे तो हम लोगों का उम्र ज़्यादा लगने लग जाएंगे, सैगिंग हो जाएगा स्किन और स्माइल लाइन दिखने लग जाएगा या रेस्टिंग बिच फेस जो ऐसे हो जाएगा स्किन में। तो एक्सरसाइज करना एक पार्ट है, फेशियल का योगा, फेस का एक्सरसाइज करना वन पार्ट है, तो फेस का पोस्चर मेंटेन करना बहुत बड़ा पार्ट है। ये मेंटेन करने से आपका फेशियल मसल्स बैलेंसिंग में रहते हैं और आप लोगों को ज़्यादा उम्र के नहीं लगोगे आप लोग ब्यूटी बियॉन्ड 40 के बाद तो बिल्कुल ही आप कॉन्शियस हो जाना चाहिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, पहले तो फेस पोस्चर बताऊंगी, फिर बाद में फेशियल मसाज करते टाइम व्हाट डायरेक्शंस यू हैव टू यूज, देन गो फॉर द फेस योगा एक्सरसाइजेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर दोज थिंग्स। यहाँ पे फेस पोस्चर जब कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप लोग बॉडी को इरेक्ट कर रहे हो, वर्टिब्रा कॉलम को सीधा लगा रहे हो, तब फेस किस तरह से रेस्टिंग पोजिशन पे किस तरह से होना चाहिए। देखो माउथ कोर मसल्स होते हैं, माउथ कॉर्नर के मसल्स, माउथ के अराउंड जो मसल्स है कोर मसल्स होते हैं पूरे, ये मसल्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरहेड मसल्स को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरहेड मसल्स को हमेशा रेस्ट दीजिए, कोई भी रॉन्ग एक्सप्रेशंस देते हुए फोरहेड मसल्स के ऊपर बर्डन नहीं डालिए। लाइक रॉन्ग एक्सप्रेशंस मीन्स ऐसा ऐसा, इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं करिए ताकि ये चीज़ें आपको यहाँ पे झुर्रियाँ गिरेंगे। फोरहेड हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, कोई रॉन्ग एक्सप्रेशंस देते हुए इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और रॉन्ग एक्सप्रेशंस देने से अपने माइंड को रॉन्ग इम्प्रेशन जाएगा कि हम लोग चिढ़ रहे हैं या चाहे कुछ कर रहे हैं या अपना उम्र ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोगों को रॉन्ग एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही ऐसा कुछ एक्सप्रेशंस नहीं देना है अपने को रॉन्ग एक्सप्रेशंस। देन कम टू द माउथ एरिया। माउथ एरिया में दांत हमेशा एक दूसरे को नहीं अड़ना चाहिए और टंग है अपर रूफ को चिपक के रखना चाहिए यहाँ पे, और दांतों के बीच में थोड़ा सा स्पेस, दोनों का ऐसा लगा के नहीं छोड़ना है, थोड़ा स्पेस होना चाहिए। और चिन को रेस्ट देना चाहिए, हमेशा चिन काम करता रहता है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे तरफ पुल करता रहता है चिन को, तो चिन रेस्ट करना है। और चिन का बेस्ट पार्ट ये है कि चिन टक करना है अपने को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चिन टक? आपने फिंगर्स को चिन के ऊपर लगा के पीछे तरफ ऐसा करिए, बस दिस इज़ अ चिन टक। आप दिन में सुबह दोपहर रात को 10 टाइम्स कर सकते हो चिन टक। देन आप एक ये जो माउथ के बारे में मैं बात करें, जब इस ये जो स्माइल लाइन है, लाफ लाइन स्माइल लाइन है, ये जो बिच रेस्टिंग बिच फेस नहीं आए, इसके लिए हमेशा अपने को टाइनी छोटा सा स्माइल देना चाहिए। हमेशा चेहरे पर स्माइल रखिए, इतना बड़ा स्माइल नहीं रखना है, ऐसा नहीं रखना है। इससे क्या है कि ये जो नीचे आ रहे हैं मसल्स को, उनको हम लोग 45 डिग्री एंगल में थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहे हैं और उनको, तो नीचे आने की संभावना कम रहता है। तो टाइनी स्माइल रखिए। ये स्माइल आपको हर चीज़ के लिए, फेस के लिए, माइंड के लिए, आप पीसफुल मेंटेन हो जाएगा हर जगह पे आपको। और आइस हमेशा आप मालूम है कि 1 मिनट में अपने को कितने बार ब्लिंक करना है, एटलीस्ट कम से कम 20 टाइम्स ब्लिंक करना है। आजकल हम लोग आइस ब्लिंक करना भूल रहे हैं, तो आइस को ब्लिंक करिए 20 टाइम्स एटलीस्ट। हम लोग टीवी देखते हैं या आजकल लैपटॉप पे या सेलफोन पे ज़्यादा रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं आई ब्लिंक करना, तो ब्लिंक करिए, ये भी एक एक्सरसाइज है। माउथ के बारे में हो गया, आइस के बारे में हो गया है, और फोरहेड को ज़्यादा रेस्ट देना है। अगर ऊपर देखना है तो ऐसा देखते हैं हम लोग, हैंड वॉश कर रहे हैं वॉश बेसन में भी मिरर में ऐसा देखते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे बार बार ये मसल्स को यूज़ करने से वहाँ पे ऐसा लाइंस आ जाएंगे। तो आपको ऊपर देखना है तो नेक को एक्सटेंड करिए,
आंखों को ऊपर लेकर जाइए, नीचे लेकर जाइए, मगर फोरहेड को डिस्टर्ब नहीं करिए। तो और ब्रीथ, डीप ब्रीथ लीजिए। और एक टेक्निक बताऊंगी, जब एक्सरसाइज करते हैं, फेस का एक्सरसाइज करते टाइम में भी वार्म अप बहुत ज़रूरी है। फेस का एक्सरसाइज है, फेस का योगा है, वार्म अप करने के बाद ही स्टार्ट करना है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में वार्म अप कैसे करते हैं फेस को, और फेशियल मसाज करते टाइम किस कौन से स्ट्रोक्स कौन से डायरेक्शन में यूज़ करना है आपको, ये भी मैं डिस्कस करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। Please, thank you. Thank you very much. Have a nice day.